नमस्कार, मैं रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए रुख करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के सम्मान में सोलन में आयोजित अभिनंदन रैली, आइए देखें। आपके कुशल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तभी संभव हो पाया जब आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं जहां आपका धन्यवाद, आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और इस बार 2024 का वर्ष जहां 3 राज्यों की जीत हुई है, वही इस बात के लिए भी ऐतिहासिक वर्ष है कि आने वाली 22 जनवरी को राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबके लिए भी बड़े गर्व का विषय, बड़े सौभाग्य की बात। माननीय राष्ट्रपति जी, जिस प्रकार से आपने 3 राज्यों में प्रचंड जीत का परचम लहराया है और आपने हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से आप पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जब आप आए, हिमाचल प्रदेश में आए, आप सिरमौर में आए, आप सोलन में आए, शिमला में आए, आपने जिस प्रकार से प्रदेश को केंद्र की ओर से सहायता मुहैया करवाई, आपने जो यहाँ राष्ट्रीय आई थी उसमें प्रदेश के लोगों का दुखों को साझा किया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि 1 वर्ष का कार्यकाल सरकार का बीत गया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ, आप पिछले दिनों जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आए, मंडी में आपका प्रवास हुआ, आज आप शिमला के प्रवास पर आए हैं, कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित रूप से आने वाला जो 2024 हमारे सामने है, आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जीतेगी। आज कांगड़ा के नए SDM ईशांत जसवाल ने संभाला कार्यभार, मीडिया से हो रहे हैं रूबरू, आइए देखें। नेत्रा मैटी ने बतौर SDM पालमपुर में संभाला कार्यभार। युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह जी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आया बुलावा, आप भी देखिए। पूरे उत्तर भारत में जारी है कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का कहर। विंटर कार्निवाल पारंपरिक वेशभूषा में 1500 महिलाओं की खूबसूरत कुल्लवी नाटी, आइए देखें। उसमें एक साथ इतनी महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, इससे एक तो उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और हमारी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन भी हो रहा है और उसका संरक्षण भी हो रहा है। और हम आशा करते ये जो हमारी कुलवी नाटी और पारंपरिक वेशभूषा, ये अपने आप में ही समृद्ध है, पूरे विश्व में बिल्कुल अलग है, अलग ही पहचान है। नाटी के माध्यम से हम अपने पारंपरिक लोक नृत्य और वेशभूषा को आगे बढ़ा रहे हैं और समृद्ध बना रहे हैं। राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई ये मूर्तियां बढ़ा रही हैं राम दरबार की शोभा। कांगड़ा में बिजली कर्मचारियों का विरोध, जानिए क्या है उनकी मांगे। बाबा के हाथ में बंदूक, निशाना स्टिक और अचूक, ऐसी तस्वीर जो तेजी से वायरल हो रही है, आइए देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत
और बने रहिए हमारे साथ ताजा तारीन खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत। दोस्तों, आपका स्काइसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काइसी ऑयल।